बॉट 302 प्लांट सिस्टमैटिक एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट। आज हमने करना है मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। लीफ की डिफरेंट शेप और फॉर्म्स चेक करेंगे। लीफ असल में है क्या? लीफ एक प्रिंसिपल अपेंडिज है स्टेम का और ऑन द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट। ये जो है वो लीव्स मोस्टली अराइज होते हैं फ्रॉम द नोड एंड बियर द लेटरल बड इन देयर एक्सियल। तो लीफ जो है वो या ये है स्टेम। स्टेम की जो स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम बोलते हैं नोड। नोड वो पार्ट होता है जहाँ से लीव ने अराइज होना होता है। तो हम कहते हैं लीव्स आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द नोड्स ऑफ अ स्टेम और इनके एक्सियल में यानी कि यहाँ पर जो है वो बड प्रेजेंट होता है एक्सियल में यानी कि इस हिस्से में जो है वो बड प्रेजेंट होता है जिससे फ्लावर या फ्लावर प्रोड्यूस होता है। और देज आर डिवेल्प इन द एक्रोपिटल सक्सेशन एंड आर एक्सोजीनियस इन ओरिजन। स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। ईच लीव जो है वो कंसिस्ट करता है ग्रीन फ्लैटेंड पोर्शन। ये जो फ्लैटेंड पोर्शन होता है जिसे बोलते हैं लेमिना और इसकी जो स्टेम होती है इसे बोलते हैं पिटियोल जो कि रेस करती है इसके लेमिना को ताकि वो एक्सपोज हो सके सनलाइट में। और पिटियोल ही वो पार्ट है जिसके थ्रू वो मेन स्टेम के साथ अटैच होता है। चीफ फॉर्म ऑफ लीव्स। हमारे आसपास जितने भी आपको ग्रीन कलर के लीव्स आते हैं जो ऑर्डिनरी जितने भी लीव्स हैं दैट आर द फॉलिएज लीव्स जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरे आ जाते हैं कॉटिलीडनरी लीव्स वो लीव जो दैट इज फाउंड इन द सीड्स एंड सर्व एज अ स्टोरेज ऑफ फूड। जो सीड के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना जब हम बताए कि सोइंग हम करते हैं जो स्मॉल जिस तरह हम बोलते हैं उनको सीड के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं हम कॉटिलीडनरी लीव्स। ये असल में प्राइमरी स्टोरेज फूड स्टोरेज होती है एम्ब्रियो के लिए जिस तरह डाइकोटिलीडन जिसमें दो कोटिलीडन होते हैं या मोनोकोटिलीडन ये जो है सीड्स के अंदर जो होते हैं ये असल में इसके एम्ब्रियोनिक लीव्स जो होते हैं इन्हें बोलते हैं कोटिलीडन और ये जो फर्स्ट लीव बनते हैं बोलते हैं कोटिलीडनरी लीव्स। और दे आल्सो एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम द एंडोस्पर्म फॉर द एम्ब्रियो ग्रोथ। सुबह स्केल लीव्स आ जाते हैं ये स्मॉल अनडिवेल्प लीव्स होते हैं जो कि ससाइल होते हैं यानी कि वो किसी भी स्टेम के बगैर होते हैं और ग्रीन कलर में बहुत कम होते हैं मोस्टली ब्राउन कलर में होते हैं बहुत छोटे होते हैं हेयर लाइक होते हैं। दे आर फंक्शन द यूजली इनकी फंक्शन होती है स्केल लीव की वो प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं बल्ब की जो जिससे कोई फ्लावर बनना है। और इसके अलावा स्केल लीव जो हैं ये फूड स्टोर करते हैं और फ्लैशी होते हैं जिस तरह कि हमने अनियन में देखा था कि वो स्केल लीव्स थे जिन्होंने फूड को स्टोर किया हुआ था। फ्लोरल लीव जो कि स्पेशलाइज डिफरेंट कलर्स के होते हैं इन्हें बोलते हैं फ्लोरल लीव्स। और फ्लोरल लीव्स में इसकी टाइप्स आ जाती हैं फोर टाइप्स आ जाती हैं। सेपल जो ग्रीन होते हैं छोटे उसके अंदर जो है वो कलर्ड आ जाती हैं पेटल्स आ जाती हैं और स्टेमन एंड कार्पल। तो ये जो सारे पार्ट आ जाते हैं ये आ जाते हैं फ्लोरल लीव्स के जैसे हम ये डायग्राम में देख लेते हैं। दीज आर द फ्लोरल लीव्स। ये सारे के सारे जो फ्लोरल लीव्स हैं जो आउटर मोस्ट है ये दिस इज द ये वाले जो हैं ये सेपल जिसे हम केलक्स बोलते हैं ये करोला पेटल्स फिर ये जो है स्टाइल स्टिग्मा ओवरी ये भी इसको भी लीफ कहते हैं हम जो हैं कहते हैं लीफ की ही मॉडिफिकेशन है एंड दिस इज अ स्टेमन। ये सारी असल में लीफ की ही मॉडिफिकेशन है लीफ में मॉडिफिकेशन होती है तो ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो बनते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोल्स जो फ्लावरिंग शूट की लीव फ्लावरिंग शूट के लीव्स होते हैं उन्हें बोलते हैं ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल। ये स्केल लाइक और ग्रीन होते हैं और इनके अंदर जो है वो एक से ज़्यादा फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। स्टिप्यूल्स पेयर्ड आउट ग्रोथ। स्टिप्यूल असल में एक पेयर्ड आउट ग्रोथ होती है एट द बेस ऑफ लीव। अभी जो हमने डायग्राम देखी थी इसमें हमने देखा होगा कि ये इन्होंने एक दिखाई हुई है इसमें एक पेयर्ड पेयर होती है ये आउट ग्रोथ स्टिप्यूल इसको बोलते हैं। स्टिप्यूलेट अगर वो लीफ कंटेनिंग द स्टिप्यूल अगर वो आउटग्रोथ प्रेजेंट है तो हम इस लीफ को बोलेंगे स्टिप्यूलेट अगर नहीं प्रेजेंट तो बोलेंगे एक्स स्टिप्यूलेट
एक्सटिबुलेट में आइपोमी एग्जाम्पल है और स्टिपिलेट में एग्जाम्पल है रोजा इंडिका। उसके बाद स्टिप्यूल्स की एग्जाम्पल आ जाती है स्केली स्टिप्यूल, इफ इट इज स्केल लाइक मेम्ब्रेन की तरह का होगा और प्रोटेक्ट करेगा लीव्स को बड कंडीशन में। और लीफी स्टिप्यूल क्या होते हैं, जो लीफ की फॉर्म में होते हैं, ग्रीन होते हैं और बे जो है बी लीफ की बेस प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह कॉटन में प्रेजेंट है, जिस तरह फ्री लेटरल आ जाते हैं, फ्री लेटरल लीव्स स्टिप्यूल जो कि साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं और जो है वो अटैच नहीं होते। और उसके बाद आ जाता है एक्सिलरी स्टिप्यूल्स, वो स्टिप्यूल जो कि फ्यूज होते हैं और सिंगल स्टिप्यूल बनाते हैं और ये जो स्टेम और पिटियोल के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। विक्टोरिया प्लांट जो है वो इसकी एग्जांपल आ जाती है। ऑर्चिड स्टिप्यूल जो हैं वो लार्ज स्टिप्यूल होते हैं जो कि फ्यूज होते हैं अपने मार्जिन से, मार्जिन जो उनके एंड एजिज होते हैं वहाँ से ये आपस में फ्यूज होते हैं और एक होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं और दे सराउंड द स्टेम फ्रॉम द नोड अप एंड स्ट्रेट हाइट होती है ऑफ द इनके इनमें जो इंटरनोड होती है उनकी सेम हाइट होती है एज द पॉलीगोनम। टेंड्रिल स्टिप्यूल, कुछ स्टिप्यूल जो हैं वो टेंड्रिल स्प्रिंग की फॉर्म में बना देती है स्ट्रक्चर, जिस तरह स्माइलेक्स इसकी एग्जाम्पल है। स्पाइनस, कुछ स्टिप्यूल जो हैं वो कांटेदार हो जाते हैं स्पाइंस की फॉर्म में, प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। जीजीपस जिजोबे जो है वो एग्जाम्पल आ जाती है। इंजर्शन क्या है, इंजर्शन असल में हम कहते हैं अटैचमेंट ऑफ द लीव टू द स्टेम, ये हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं बॉटनी में। इंजर्शन का मतलब होता है कि लीफ की अटैचमेंट जो है वो स्टेम के साथ जो अटैचमेंट है उसे बोलते हैं इंजर्शन। अब इंजर्शन जो है लीफ की उसके आगे मजीद टाइप्स आ जाते हैं कि इंजर्शन किस किस टाइप से हैं, जो अटैचमेंट है एक लीफ की स्टेम के साथ वो किस किस पॉइंट से है हो सकती है। कॉलिंग जो है, अगर लीव अराइज होता है मेन स्टेम, मेन स्टेम में और उसके टिप पे लीफ प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं हम कॉलिंग, रैमल एंड कॉलिंग। इफ द लीव्स अराइज फ्रॉम बोथ ऑन द मेन स्टेम, मेन स्टेम जो है एक मेन स्टेम ग्रो करती है उसकी टिप पे भी लीव प्रेजेंट है, उसमें से ब्रांचेज अराइज होती हैं उसमें से भी लीव बनते हैं, दैट इज द रैमल एंड कॉलिंग। रेडिकल क्या होता है, लीव जो है अराइज होते हैं रिड्यूस स्टेम प्रेजेंट एट द ग्राउंड लेवल, यानी कि इतनी छोटी सी उसकी स्टेम होती है, जिस तरह आप लोगों ने रेडिश में और हमने कैरेट में रेडिश में देखा था कि वो स्टेम इतनी रिड्यूस होती है, और जिस तरह मूली गाजर में आपको ऊपर सिर्फ लीव नज़र आ रहे होते हैं, अंडरग्राउंड जो होती है वो उसकी रूट होती है और स्टेम का पार्ट जो बहुत शॉर्ट होता है तो उसे बोलते हैं रेडिकल। अगर स्टेम इतनी रिड्यूस होती है तो उसे बोलते हैं रेडिकल। और इन लीव्स को बोलते हैं रोसेट की फॉर्म में ये लीव्स हैं। फाइलोटैक्सिस क्या है, लीव्स की अरेंजमेंट। इससे पहले हमने देखा था कि लीव की अटैचमेंट देखी थी, इंसर्शन में हमने देखा था अटैचमेंट कैसे होते हैं, मेन स्टेम पे अटैच होते हैं, उसकी ब्रांचेस से अटैच होते हैं या स्टेम रिड्यूस थी उसकी। अब फाइलोटैक्सिस जो है वो अरेंजमेंट है लीव्स की ऑन द स्टेम, इसका द फाइलोटैक्सी। ये जो है वो हमें हेल्प करती है टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ द लीव्स एंड सो द लीव्स मैक्सिमम लाइट लीव एब्जॉर्ब कर सके। लीफ की अरेंजमेंट हम ये देखें, यह वर्ल्ड की फॉर्म में अरेंज है, ये ऑपोजिट है कि मेन स्टेम में दो ब्रांचेज अराइज होती हैं, ऑपोजिटली लीव अरेंज है, और अल्टरनेट है कि मेन ब्रांच से राइट साइड से एक ब्रांच अराइज होती है उसमें से लीव बनता है, फिर उसी के ऑपोजिट साइड पर लीव बनती है, दिस इज द अल्टरनेट। अब इन्हीं को हम डेफिनेशन देखते हैं। अल्टरनेट व्हेन अ सिंगल लीफ अराइज एट द ईच नोड से एक सिंगल लीव ही अराइज होता है। हिबिस्कस रोजा साइनेसिस इसकी एग्जांपल है। ऑपोजिट क्या है, जब दो लीव एक नोड से दो लीव्स अराइज होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं, इसे बोलते हैं हम ऑपोजिट। और थर्ड आ जाता है वर्ल्ड, वर्ल्ड में अगर हम कहते हैं एक ही नोड से वर्ल्ड की फॉर्म में लीव्स अराइज होते हैं दैट इज द वर्ल्ड।
व्हेन मोर देन टू लीव्स आर अराइज एट द ईच नोड, एक नोड से ज्यादा लीव राइज होते हैं तो पूरा एक वर्ल बना देते हैं, ऐसे ओलियंडर ओल एल एस्टोनिया इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है ऑपोजिट डेक्यूसेट, ऑपोजिट लीव्स को हम मजीद कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरीज में, ऑपोजिट ऑपोजिट डेक्यूसेट वन ऑपोजिट सुपरपोज्ड। इफ अ पेयर ऑफ द लीव्स एट एनी नोड एट द राइट एंगल टू द ईच अदर, ये देखें ये इस फॉर्म में ब्रैदरन है, दूसरे इस फॉर्म में ब्रैदरन है, इसका मतलब ये एक दूसरे पे 90 के एंगल पे, एक इस तरह है दूसरा उसके ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट है, अगर वो एक दूसरे के 90 के एंगल पे प्रेजेंट है दैट इज द डेक्यूसेट। ऑपोजिट ऑपोजिट तो है यानी कि एक नोड से दो लीव्स तो अराइज हो रहे हैं लेकिन एक इस फॉर्म में अरेंज है दूसरा उसके 90 के एंगल पे प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं डेक्यूसेट। सुपरपोज्ड है अगर वो सेम ही प्रेजेंट है, पैरेलल प्रेजेंट है, अगर हम कहते हैं कि एक ही नोड से दो लीव्स अराइज होते हैं और वो पैरेलल अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ, दिस इज द ऑपोजिट सुपरपोज्ड। इफ द ऑपोजिट लीव्स आर एट द नोड आर पैरेलल टू द लीव्स एट द नोड अबव एंड बिलो, जिस तरह ऊपर प्रेजेंट है उसी तरह नीचे पैरेलल प्रेजेंट है, एग्जाम्पल इसकी आ जाती है गावा। उसके बाद आ जाती है वनेशन, वनेशन में हम देखते हैं वेन्स की अरेंजमेंट कैसी होती है लीव्स में, द अरेंजमेंट ऑफ द वेन एंड द वेनलेट्स। अगर असल में ये वेनलेट्स होती क्या है, ये वास्कुलर बंडल्स होते हैं इन द लेमिना ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड द वेनेशन। इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं पैरेलल या रेटिकुलेट, पैरेलल जिस आपको ये नज़र आ रही है सारे लाइन जो हैं या वास्कुलर बंडल जो हैं वो पैरेलल एक दूसरे के सीधी लाइनें बना रहे हैं, पैरेलल अरेंज है, और रेटिकुलेट जो है वो एक नेटवर्क की फॉर्म में ये अरेंज होते हैं वास्कुलर बंडल्स। पैरेलल वेनेशन, इन दिस टाइप ऑफ द अरेंजमेंट मेन वेन अबाउट इक्वल साइज एंड रन पैरेलल टू द ईच अदर, सारी जो मेन वेन की तरह ही मूव करती हैं, उसके अप बेस से स्टार्ट होती हैं, ये बेस है और ये उसका अपेक्स है, अपेक्स तक जो है वो जाती हैं। दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज फाउंड इन द मोस्ट मोनोकोट्स ग्रासी सीरियल अनियन एंड बनाना में प्रेजेंट होती है, और इसकी मजीद टाइप्स आ जाते हैं यूनिकोस्टेट। इफ देर इज अ सिंगल मिडरिब इन द लेमिना एंड वेनेशन विल बी द यूनिकोस्टेट, अगर सिर्फ एक ही सिंगल वेन जो है मूव कर रही है यूनिकोस्टेट। मल्टीकोस्टेट, इफ मोर देन वन मिडरिब्स आर प्रेजेंट इन द लेमिना देन वेनेशन इज द मल्टीकोस्टेट, अगर बहुत सारी वेन जो है पैरेलल मूव करती हैं। इसी तरह रेटिकुलेट, इन दिस टाइप ऑफ द वेनेशन देयर मे बी वन और मोर मिड रिब्स फ्रॉम विच द स्मॉलर वेन ब्रांचेस विच आर इंटरमिंजल एंड फॉर्म द नेटवर्क, ये देखें मेन मिड रिब और उसमें से बहुत सारी वेन वेनलेट्स अराइज होती हैं जो मजीद ब्रांच वेनलेट्स प्रोड्यूस करती हैं और एक नेटवर्क बना देती हैं, आपस में इंटरमिंजल होती हैं, इसे बोलते हैं हम रेटिकुलेट। और ये डाइकोट्स, रोज रोज, हबिस्कस, सनफ्लावर, इन सब में रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होती है। रेटिकुलेट ये भी यूनिकोस्टेट भी हो सकती है अगर सिंगल मिडरी प्रेजेंट है और उसने सारा नेटवर्क बनाया हुआ है जैसे मैंगो और पीपल, और मल्टीकोस्टेट भी हो सकती है अगर मोर देन वन मिडरी इज प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल कैस्टर ऑयल। ये देखिए यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट उन्होंने दिखाई हुई है, ये रेटिकुलेट और ये जो है वो पैरेलल। अभी डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट भी आ जाती हैं, डाई कन्वर्जेंट होती हैं जो कि ये जो पैरेलल वेन्स आपस में जाके एक ही पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाती हैं, एक पॉइंट पे आके मिल जाती हैं, बोलते इन्हें बोलते हैं कन्वर्जेंट। और डाइवर्जेंट होती हैं जो कि एक मेन ब्रांच से बहुत सारी प्रोड्यूस होती हैं लेकिन वो डिफरेंट पॉइंट्स पे जाके डाइवर्ट हो जाती हैं। उसके बाद हम लीव्स की दो कैटेगरी सिंपल पढ़ लेते हैं। दे आर मेनली टू काइंड्स ऑफ लीव, सिंपल लीव एंड कंपाउंड लीव। सिंपल लीव जी तो आप एक लीव देखते हैं बड़ा सा सिंगल लीफ होता है, ये सिंपल लीफ बोलते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक ब्रांच पे छोटे छोटे लीव इस तरह प्रेजेंट होते हैं तो असल में हम ये कंसीडर करते हैं कि ये असल में एक ही लीफ है जिसमें उसका मेन लेमिना जो है वो छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड हो गया है और इसने एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दिया है, इसको बोलते हैं हम कंपाउंड लीफ।
पिननेट और पिननेट कंपाउंड लीफ, पिननेट कंपाउंड लीफ अगर लीफलेट्स आर बोर्न ऑन साइड ऑफ द कॉमन स्टॉक, एक कॉमन स्टॉक है उसकी साइड्स पे में जो है वो लीफलेट्स प्रेजेंट होती हैं और मेन स्टेम को जो है वो रैकिस बोलते हैं, लीफ को बोलते हैं, दिस इज द पिननेट कंपाउंड लीफ। रोज रोज इसकी एग्जांपल आ जाती है। पेरिपिनेट अगर उसमें नंबर जो है इवन हो, अगर हम लीफलेट्स को काउंट करें और वो इवन हो, दैट इज द पेरिपिनेट। और अगर लीफलेट्स का नंबर जो है वो ऑड हो तो हम इसे बोलते हैं इम्पेरिपिनेट। जिस तरह अगर हम यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, तो ये देखें ये ए कितनी है, 7 है, तो ये बोलेंगे इम्पेरिपिनेट है। वो जो पेरिपिनेट होती है उसमें फ्रंट पे नहीं लीफ प्रेजेंट होता, बल्कि जितने एक साइड पे दूसरे ही दूसरे साइड पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो पेरिपिनेट बना देते हैं। सिंपल बाइपिनेट अगर लीफलेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर यूनिट्स, यानी कि इससे भी छोटा कैटेगरी आ जाती है। जिस तरह ये एक लीफलेट है, ये मजीद छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, जिससे आपको ये नज़र आ रहा है कि ये मेन इसकी ये लीफ बनना था जिसमें उसके लीफलेट्स यहाँ पे बन गई और यहाँ पे, और मजीद वो डिवाइड हो गई, यानी कि ये जो था जिससे आपको ये नज़र आ रहा है वो एक सिंपल लीफ है। अगर ये भी डिवाइड हो जाए सिंपल और मजीद छोटे छोटे लीफलेट्स में, तो इसे बोलेंगे बाइपिनेट, जो इस फॉर्म में नज़र आ रहा है। और अगर ये लीफलेट्स आर अगेन फर्दर डिवाइड हो जाए, तो इसे बोलते हैं हम ट्राइपिनेट, यानी कि यहाँ से इसका लेमिना फिर डिवाइड हो जाए।